गया सर। नमस्कार साथियों, सार्थक पहल बदलाव से में उन्हें एक बार स्वागत है। और चलो बने अर्थशास्त्री सीरीज के अंतर्गत आज हम लेके आए हैं उत्पादन फल। उत्पादन फल, फल। उत्पादन फल। इससे पूर्व हम उदासीन का वक्त पढ़ चुके हैं, विभिन्न प्रकार के मांग वक्र पढ़ चुके हैं, उपभोक्ता की बचत पढ़ चुके हैं, उपयोगिता क्या है, उपयोगिता हास नियम, ये पूरा हम कंप्लीट रूप से पढ़ चुके हैं। जिसने भी ये वीडियो नहीं देखे हैं, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और पुराने वीडियो जो है उसे प्राप्त कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो भी आपको लगातार मिलते रहेंगे, इसके लिए बेल आइकन को दबाए और आगे की वीडियो भी समय पर प्राप्त करते हैं। मित्रों, आगम तथा निर्गम, आगम तथा निर्गम, आगम तथा निर्गम के बीच, आगम तथा निर्गम के बीच का संबंध, बीच का संबंध उत्पादन फलन कहलाता है। आगम तथा निर्गम के बीच का संबंध उत्पादन फलन कहलाता है। जब उत्पादक जो है किसी भी चीज का उत्पादन करता है, किसी भी वस्तु का उत्पादन करता है, तो उन्हें विभिन्न साधनों को व्यय करना होता है, जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन, ये साधनों को व्यय करता है। और उसके बाद में जो प्रोडक्शन होता है उससे वो उसको बेचता है, उससे जो आय प्राप्त होती है वो निर्गम कहलाता है। तो इस प्रकार इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट और आउटपुट के बीच का जो फलनात्मक संबंध होता है उसे ही हम उत्पादन फलन कहते हैं। इसे हम इस तरीके से दर्शा सकते हैं, P is equal to F A B C D और T। P is equal to F A B C D T। यहाँ जो P है, P is equal to उत्पादन, और ये जो A B, C, D और T है, ये उत्पादन के साधन, ये उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन, ये जो है उत्पादन के साधन, विभिन्न प्रकार का कच्चा माल वगैरह। और T जो है ये है तकनीकी, T है तकनीकी, और ये तकनीकी की जो दर होती है वो स्थिर मानी जाती है। तकनीकी की जो दर है वो स्थिर मानी जाती है। क्लियर हो गया? आगम तथा निर्गम के बीच का जो फलनात्मक संबंध होता है वो उत्पादन फलन कहलाता है। गणितीय रूप में हम इसकी इस तरीके से व्याख्या करते हैं, P is equal to F A B C D T। P यहाँ उत्पादन है और A B C D उत्पादन के साधन, और टेक्नोलॉजी, T है टेक्नोलॉजी, और ये टेक्नोलॉजी की जो दर है वो स्थिर होती है। हम बात करते हैं उत्पादन फलन, उत्पादन फलन की विशेषताएं, कुछ उत्पादन फलन की विशेषताएं पढ़ते हैं कि उत्पादन फलन की क्या विशेषताएं होती है। तो उत्पादन फलन एक अभियांत्रिक धारणा है। उत्पादन फलन एक इंजीनियरिंग अवधारणा है, अभियांत्रिकी अवधारणा है। मतलब ये तो उत्पादन के विभिन्न साधन होते हैं, इनके ऊपर ये डिपेंड करता है। दूसरा, उत्पादन फलन का कीमत से कोई संबंध नहीं होता है। उत्पादन का कीमत से कोई संबंध नहीं होता है। तो उत्पादन फलन एक इंजीनियरिंग अवधारणा है कि उत्पादन के जो विभिन्न साधन होते हैं, इनका जो उपयोग कर रहे हैं, इनका किस तरीके से कॉम्बिनेशन होगा, इसके आधार पर उत्पादन फलन डिपेंड करता है। उत्पादन फलन का कीमत से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक इनपुट की और आउटपुट की, कीमत की बात हम यहाँ पे नहीं करते हैं। उत्पादन फलन का संबंध
उत्पादन फलन का संबंध समयावधि से होता है, समयावधि से होता है। उत्पादन फलन का संबंध समयावधि से होता है। तकनीकी का स्तर स्थिर माना जाता है, तकनीकी का स्तर स्थिर माना जाता है। तकनीकी का स्तर हमने देखा था, ये तकनीकी पहले मान्यताओं में दिया कि तकनीकी का जो स्तर होता है वो स्थिर होता है। मौद्रिक विशेषताएं इसमें नहीं होती। उत्पादन फलन में लास्ट पॉइंट लिख रहे हैं अपन, उत्पादन के साधनों में स्थानापन्नता, उत्पादन के साधनों में स्थानापन्नता का गुण पाया जाता है। मतलब उत्पादन के जो साधन होते हैं बहु उपयोगी होते हैं और किसी भी साधन में उसका उपयोग किया जा सकता है। तो मित्र इस तरीके से हमने देखा उत्पादन फलन, तो उत्पादन तथा निर्गम के बीच, आगम तथा निर्गम के बीच का जो संबंध होता है उसे उत्पादन फलन कहते हैं। इसे हम लिख सकते हैं पी इक्वल टू एफ ए बी सी डी टी, जो पी है उत्पादन है, ए बी सी डी उत्पादन के साधन है, और टी जो है तकनीकी है जो स्थिर रहती है। उत्पादन फलन की विशेषताएं देखी हमने, उत्पादन फलन एक इंजीनियरिंग अवधारणा है, अभियांत्रिक अवधारणा है। उत्पादन फलन का कीमत से कोई संबंध नहीं होता, उत्पादन फलन का संबंध समयावधि से होता है, तकनीकी का स्तर स्थिर माना जाता है, और उत्पादन के साधनों में स्थानापन्नता का गुण पाया जाता है। हम उत्पादन फलन के जो नियम है उसमें से एक हम पढ़ेंगे आज, कॉब डगलस उत्पादन फलन, कॉब डगलस उत्पादन फलन, कॉब डगलस उत्पादन फलन, सी डी कॉब डगलस उत्पादन फलन, कॉब डगलस उत्पादन फलन। इसे कॉब व डगलस द्वारा प्रतिपादित किया गया, कॉब व डगलस द्वारा प्रतिपादित किया गया है। उत्पादन के केवल दो साधन, नंबर एक श्रम और दूसरा है पूंजी। ठीक, तो हम बात कर रहे हैं कॉब डगलस उत्पादन फलन, सीडी उत्पादन फलन, कॉब और डगलस द्वारा प्रतिपादित किया गया है, और इसके अनुसार जो है उत्पादन के केवल दो साधन हैं, श्रम और पूंजी। तो ये जो उत्पादन फलन को हम सूत्र रूप में, गणितीय रूप में इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, Q is equal to K L L की पावर अल्फा C और इसकी पावर बीटा। तो Q is equal to K L अल्फा C बीटा, तो जहां बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। ये हमें याद रखना है, यूजीसी नेट के जो जब भी एग्जाम होते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। और यहां जीरो छोटा है, जीरो जो है वो छोटा है अल्फा से, और अल्फा जो है वो छोटा है वन से। दो बातें हमने देखी, फिर से देखें, कॉब डगलस उत्पादन फलन, इसका प्रतिपादन कॉब और डगलस द्वारा किया गया है। इसमें उत्पादन के केवल दो साधनों की बात करते हैं, एक है श्रम और दूसरा है पूंजी। इसको गणितीय रूप में दर्शाते हैं, क्यू इज इक्वल टू के
एल अल्फा सी बीटा, बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, और जो जीरो है वो अल्फा से छोटा है और अल्फा जो है वो एक से छोटा होता है। यहाँ यदि देखा जाए तो क्यू जो है वो उत्पादन को प्रदर्शित करता है, क्यू जो है वो उत्पादन को प्रदर्शित करता है, एल जो है वो श्रम को लेबर को प्रदर्शित करता है, श्रम लेबर को प्रदर्शित करता है, सी सी जो है वो पूंजी, सी जो है वो पूंजी अर्थात कैपिटल को प्रदर्शित करता है, और ये जो के है ये कांस्टेंट है, स्थिरांक है, के जो है वो स्थिरांक है। तो इस तरीके से देखा हमने कॉब डगलस उत्पादन फलन। अब हम कॉब डगलस उत्पादन फलन की विशेषताएं देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे बीए हो, एमए हो, पीजी, यूजीसी, नेट, संविदा शाला शिक्षक, सभी प्रकार के एग्जामों में ये क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है। तो कॉब डगलस उत्पादन फलन प्रथम कोटि का समरूप उत्पादन फलन, प्रथम कोटि का समरूप उत्पादन फलन, प्रथम कोटि का समरूप उत्पादन फलन, प्रथम कोटि का समरूप उत्पादन फलन। दूसरा, उत्पादन के दो साधन, उत्पादन के दो साधन और वो कौन कौन से हैं, श्रम व पूंजी। उत्पादन के दो साधन श्रम व पूंजी, उत्पादन के दो साधन श्रम व पूंजी। साथ ही प्रतिस्थापन की लोच एक के बराबर, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन की लोच एक के बराबर, एक के बराबर। तो हम इसकी विशेषताएं देख रहे थे, प्रथम कोटि का समरूप उत्पादन फलन है, उत्पादन के दो साधन है श्रम व पूंजी, और तीसरा है प्रतिस्थापन की लोच एक के बराबर होती है। और यदि उत्पादन फलन यदि देखे, अल्फा प्लस बीटा बराबर एक हो सकता है, अल्फा प्लस बीटा एक से बड़ा हो सकता है, और अल्फा प्लस बीटा एक से छोटा हो सकता है। तीन स्थितियां यहां बन सकती है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1, और अल्फा प्लस बीटा मोर देन 1। तो तीन स्थितियां बन सकती है, यदि ये छोटा है, अल्फा प्लस बीटा छोटा है एक से, तो बढ़ते प्रतिफल का नियम, बढ़ते प्रतिफल का नियम, बढ़ते प्रतिफल का नियम। यदि एक से छोटा है, यदि एक से छोटा है तो घटते प्रतिफल का नियम, घटते प्रतिफल का नियम, घटते प्रतिफल का नियम। और यदि बराबर है तो स्थिर पैमाने का प्रतिफल, स्थिर पैमाने का प्रतिफल, स्थिर पैमाने का प्रतिफल। तो मित्रों, इस तरीके से हमने आज उत्पादन फलन और कॉब डगलस उत्पादन फलन को देखा। जो अगला वीडियो होगा उसमें हम सीईएस उत्पादन फलन की चर्चा करेंगे, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि समय पर अगला वीडियो प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं एक ऐसी बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।